मैं आप और गॉड ऑफ वॉर खत्म दुनिया। दोस्तों फटाफट सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन की सींग उगा डालो, मैं आपको अपडेट रखने वाला हूं गेमिंग न्यूज से दुनिया की सबसे तेज। बैम बूम ब्रीम, दोस्तों मैं हूं गोडी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की गेमिंग न्यूज में ज्वाइन करने के लिए, बहुत बहुत थैंक्स। आज शुरुआत करेंगे हम आज की गेमिंग न्यूज की देर किस बात की, नेवरविंटर नाइट्स एनहांस एडिशन रिलीज होने वाला है और 4K सपोर्ट के साथ इस बार रिलीज होने वाला है 27 मार्च को, 4K5 के दिन रिलीज होने वाला है। मैं तो 4K5 लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ, मुझे मालूम है आप लोग आओगे। अरे सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, अरे फटाफट सब्सक्राइब कर लो दोस्तों के साथ, शेयर करो। 27 मार्च को होगी 4K5 की स्ट्रीम एंड तक, मतलब पार्ट्स में। तो नेवरविंटर नाइट्स अगर आपके पास पुराना वाला गेम पड़ा हुआ है, उसकी सेव फाइल अगर आपकी पड़ी हुई, प्रोग्रेस आपने सेव करके रखी हुई है, तो वो आप इस गेम में ट्रांसफर कर सकते हो 4K एडिशन वाले में और पूरी पूरी आपकी सेव फाइल वहां से स्टार्ट हो जाएगी। मान लो कि अगर आपने वो गेम 40% एंड किया हुआ था, उसके बाद खेला नहीं था, वो सेव फाइल आप इसके अंदर ला सकते हो और आगे गेम कंटिन्यू कर सकते हो। इसके साथ साथ बेस गेम के साथ साथ आपको मिलेंगे 2 नए एक्सपेंशन पैक्स और 3 स्टोरी पैक एड ऑन भी आपको मिलने वाले हैं। और मैं कैटेगराइज कर दूं कि इन सब चीजों के बाद जो मैंने आपको बता दिया अभी, इनके बाद अगर कुछ भी रिलीज होता है, या तो वो एक्सपेंशन पैक के फॉर्म में आएगा और या फिर वो आपका आएगा स्टोरी पैक एड ऑन के रूप में। भाई साहब काका ट्रंपू की मैंने आपको न्यूज बताई थी कुछ दिन पहले, ट्रंप की सनक चुकी थी गेम्स के ऊपर। तो मैंने आपको बताया था कि व्हाइट हाउस में मीटिंग हुई है ट्रंप की और काफी गेम कंपनीज के एग्जीक्यूटिव्स की, तो इस बार ट्रंप ने उनको दिखाई मॉन्टेज कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर की मॉन्टेज दिखाई और फॉल आउट 4 की मॉन्टेज दिखाई। गेम कंपनीज वाले बोले देखो देखो काका ट्रंपू हमारी तारीफ कर रहे हैं। नहीं, काका ट्रंपू ने बताया कि देखो ये वॉयलेंस, देखो ये खून के छींटे उड़ते हुए, देखो ये खोपड़ी खोल मॉन्टाज। गेम कंपनीज वाले डरे से रह गए, सहमे से रह गए, काका ट्रंपू अब क्या करने वाले हैं। हाँ दीदी, पर अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट पैट्रिक मार्की ने साफ कर दिया है, उनकी पिछले कई सालों की जो शोध है, जो एक्सपेरिमेंट वो कर रहे थे, एनालिसिस जो वो कर रहे थे, जो भी एक्सपेरिमेंट भगवान जाने साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं मुझे नहीं मालूम भैया, तो उन्होंने अपनी स्टडी में पाया है कि 80% बंदे जो कि मास शूटिंग कर देते हैं, बाहर निकले और बस स्कूल में घुस गए मार दिया बेगुनाहों की जो जान लेते हैं, 80% बंदे उनमें से उनका वीडियो गेम से कोई नाता नहीं होता है, ये पैट्रिक मार्की की रिपोर्ट कहती है, जो कि साइकोलॉजिस्ट है अमेरिकन। यार पर फिर भी 20% तो हुए, ये थोड़ी शॉकिंग न्यूज़ है। मुझे पर्सनली लगता है कि वहाँ पे गन कल्चर को रेगुलेट करने की ज़रूरत है, जिस तरह हमारे यहाँ हर नुक्कड़ पे पान पट्टी होती है, इसी तरह वहाँ पे भी बहुत सारी शॉप्स होती हैं अगर आपको गन खरीदनी है। कुछ एक स्टेट्स में अमेरिका के 16 साल की उम्र बाद आप जाके गन खरीद सकते हो यार, पिस्टल भगवान। ESRB यानी कि एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर रेटिंग बोर्ड ने कहा है कि हम अपनी रैंकिंग्स में सुधार करने वाले हैं, हम अपने आइकन्स में सुधार करेंगे ताकि जो माँ बाप हैं वो देख पाएं, मॉनिटर कर पाएं कि बच्चे एक्चुअली खरीद क्या रहे हैं और वो ऊपर ही अपनी रेटिंग लगा दिया करेंगे कि हाँ सिंबल्स से आइकन से आप पहचान लो कि ये गेम कितना गोर है, इसके अंदर कितने खून के छींटे और कितनी खोपड़ी खुलने वाली है, पेरेंट्स को पहले ही बता दिया जाएगा। आखिरी बात इस न्यूज की ये है कि ये कोई फाइनल स्टेप नहीं है, अभी इसमें बहुत सारी मीटिंग्स और भी हो सकती हैं। बॉस अगली न्यूज है रेडी और नॉट की तरफ से, रेडी और नॉट एक टैक्टिकल शूटर नया आने वाला है, इसके डेवलपर्स हैं वॉइड इंटरैक्टिव, इसमें दो फैक्शंस होंगी स्वैट और सस्पेक्ट। 30 यूनिक आइटम्स हैं इस गेम के अंदर, गन से लेके गैजेट्स तक, अब कितने यूनिक है वो मुझे नहीं मालूम, पर कुछ हद तक रेनबो सिक्स सीज जैसा होने वाला है ये गेम कंप्लीटली। और फ्लैशबैंग स्नेक कैम डिप्लॉयबल लैडर, यानी कि अगर आपको रोशनदान में चढ़ के कहीं और दूसरे रूम में पहुंचना है तो उसके लिए आप सीढ़ी भी लगा सकते हो। सबसे अच्छी बात मुझे इस गेम में वो लग रही है आपके पास मल्टीपल पीक एंगल्स हैं, यानी कि आप जैसे कि बैटलफील्ड 1 में है राइट नाउ, अगर आप कोने पे हो तो ही पीक कर सकते हो, पबजी में आप क्यू और ई दबा के यूं यूं पीक कर सकते हो, बंदूक के यूं जा सकते हो, यूं जा सकते हो, पर इस गेम के अंदर मल्टीपल पीक एंगल्स हैं, मेरे हिसाब से शायद 10 या उससे भी ज्यादा पीक एंगल्स हैं इसके अंदर, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे यूं करके बहुत मुझे अच्छा लगा वो, आप देख भी पा रहे होंगे डिस्प्ले स्क्रीन पे। इसके साथ साथ आप अपना प्लेयर को भी कस्टमाइज कर सकते हो, उसका ड्रेसअप स्टाइल को कस्टमाइज कर सकते हो, उसके साथ आपको बीन शॉटगन भी मिलने वाली है जो कि एक नॉन लीथल वेपन है और स्टॉपिंग पावर उसमें ज्यादा होती है अगर आपको सामने वाले को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाना तो, और पेपर स्प्रे मिलने वाला है आपको, काली मिर्च का स्प्रे पाउडर कर दूंगा भाई साहब, और पेपर गन भी मिलने वाली है आपको, पेपर गन, काली मिर्च की गन कैसी होती है भाई साहब। अगर आप किसान के बेटे हो या फिर किसान के पोते हो मेरे जैसे, तो आपके लिए एक नया गेम आने वाला है फार्मिंग सिमुलेटर 19। इसको बनाने वाले हैं जायंट सॉफ्टवेयर जो कि इसके पहले भी इसके वर्जन कई सारे बना चुके हैं, और ऑलमोस्ट इस बार तो बहुत ही जबरदस्त एनहांस एडिशन आ रहा है जिसमें आपको फार्मिंग करने वाले यानी खेती की बहुत सारी चीजें होंगी, बीज बो जाके फिर उस खेत की जुताई करो, फिर फसल काटो वगैरह वगैरह, काफी सारी चीजें आने वाली हैं, काफी फीचर्स और डेव्स ने बचा के रखे हैं E3 के लिए, जून में E3 होने वाला है, उसके भी बहुत खतरनाक बड़ी कवरेज करने वाला हूं मैं, इसलिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। सागर को अगर गागर में भरने की बात करूं तो ये मॉडर्न डे फार्मिंग जो होती है आजकल रियल वर्ल्ड में, ऑलमोस्ट सारी चीजें इसके अंदर होंगी,
बॉस ये न्यूज है खतरनाक टनटनाती हुई बन बनाते हुई। बर्नआउट पैराडाइज 16 मार्च को लॉन्च होने वाला है और अगर आपके पास एक्सबॉक्स वन है एक्सबॉक्स वन के अंदर लाइव गोल्ड मेंबरशिप ले रखी है आपने एक्सबॉक्स लाइव गोल्ड मेंबरशिप तो आप आज ही डाउनलोड करके खेल सकते हो बर्नआउट पैराडाइज। 10 घंटे हैं आपके पास 16 मार्च से पहले जाओ डाउनलोड करो और खेलो और जितनी प्रोग्रेस आप करोगे 10 घंटे में उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि मैं जाके गेम खरीदूंगा जो कि आपको 10% ऑफ पे मिलने वाला है तो सारी की सारी प्रोग्रेस सारे के सारे अनलॉक्स जो आपने अभी तक किए हैं 10 घंटों के अंदर वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे आपके। मेरे पास भी EA एक्सेस है पीसी पे पर मुझे खेलने नहीं मिला वो गेम। पता नहीं क्यों EA ऐसा करता है, भेदभाव एक्सबॉक्स वालों के लिए अलग पीसी वालों के लिए अलग पर पैसे दोनों से लेता है वो। ओके एक्सबॉक्स के बॉस फिल स्पेंसर कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ मैंने देखा है। उनका मानना है कि फोर्टनाइट PS4 और एक्सबॉक्स वन के बीच में क्रॉस प्ले होना चाहिए पर सोनी अलाउ नहीं करेगा क्योंकि सोनी को मालूम है एक्सबॉक्स वन के बॉस ऐसा क्यों कर रहे हैं। गॉड ऑफ वॉर की इनॉर्मस बूस्ट देखकर मार्केट पूरा गॉड ऑफ वॉर की तरफ झुका हुआ है ये देखते हुए सोच रहे हैं हमारे एक्सबॉक्स की भी जरा मार्केटिंग हो जाए उतने बड़े गॉड ऑफ वॉर के वर्ल्ड में। नहीं आने दूंगा मैं गॉड ऑफ वॉर के बीच में किसी को भी। फाइनल फैंटेसी के डेवलपर्स ने बोला है कि डेनुवो DRM से गेम की परफॉर्मेंस में कोई फर्क पड़ने नहीं वाला है। फर्क पड़ेगा भी कैसे साला PS4 और PC में एक साथ दिखता है वो मजा के बहुत बड़ा ये गेम। AMD का FreeSync 2 आने वाला है Xbox One X और S के ऊपर। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि FreeSync एक ऐसी चीज है बेसिकली मान लो अगर Xbox One X 4K पे आपको 30 FPS का आउटपुट दे रहा है और आपका मॉनिटर है 4K 60 FPS तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी खेलने में। बीच बीच में स्टटर आ सकते हैं, आपकी फ्रेम स्किप हो सकती है, स्टटर आ सकते हैं आपको बीच बीच में, तो वो चीज को एकदम एलिमिनेट करने के लिए FreeSync 2 आने वाला है। यानी कि अगर आपका Xbox X 4K 30 FPS भेज रहा है तो आपका FreeSync 2 वाला जो मॉनिटर है वो भी 4K 30 Hz पर ही रिफ्रेश रेट डिस्प्ले करने वाला है। अगले न्यूज़ बहुत ही एक्साइटिंग है। डार्विन प्रोजेक्ट नामक गेम Xbox One और PC स्टीम अर्ली एक्सेस में आ चुका है। PS4 पे अभी कोई भी न्यूज़ नहीं है कि ये गेम PS4 पे आएगा या नहीं, पर मैं चाहूंगा कि आप फटाफट जाओ स्टीम पर ये गेम चेकआउट कर सकते हो। कुछ 490 रुपए का ये गेम है। बेसिकली ये गेम का जो मैप है कैनेडियन स्नो मैप है, छोटा सा एक अरीना है, इसमें एक डायरेक्टर शो वाला मोड भी इंक्लूडेड। यानी कि अगर मैं खेलना चाह रहा हूं, मैं एज अ डायरेक्टर इस गेम को खेलना चाह रहा हूं, मैं गेम एक्चुअली में प्ले नहीं करूंगा, पर जैसे बैटलफील्ड में समझ लो आप स्पेक्टेटर मोड था, आप टोमाहॉक वगैरह पता नहीं क्या गिरा सकते थे, कमांडर मोड जैसा कुछ था उसके अंदर, उसी तरह से इसमें डायरेक्टर शो है। आप चाहो तो बम्बार्डमेंट कर सकते हो, बम गिरा सकते हो चलते मैच के अंदर, और आप चाहो तो मेडिकल सप्लाईज भेज सकते हो यानी कि जो बंदों को चोट लगी है वो हील कर सकते हैं, और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं इसके अंदर। आप चाहो तो अपनी खुद की कमेंट्री भी दे सकते हो समझ लो, और इसके अंदर ट्विच और मिक्सर इंटीग्रेट किए गए हैं ताकि बंदे लाइव इंटरेक्शन इस गेम के ऊपर कर सके। इन्वेस्टिगेशन फैक्टर की अगर बात करें तहकीकात, तो इसमें वो चीज भी इंक्लूडेड है क्योंकि मैप पूरा बर्फ से भरा हुआ है, तो आप अगर बहुत देर तक किसी दूसरे एनिमी जो एक्चुअली ओपोनेंट है आपका उसके पैरों के निशान को ज्यादा देर तक अगर आप ट्रैक करते रहो, तो कुछ एक पर्टिकुलर टाइम अगर आप ट्रैक करते रहोगे तो उसकी पोजीशन आउटलाइन हो जाएगी, वो मैप के किसी भी कोने में होगा, आप उसको देख सकते हो कि वो कहाँ है, पर आपने कुछ देर तक उसके पैरों के निशान को फॉलो करना है और बस तभी अनलॉक होगा कि मैप में वो है कहाँ। दोस्तों बहुत बहुत थैंक्स आज की इस न्यूज़ से जुड़ने के लिए। अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो जरूर लाइक बटन हिट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें जो कि गेमिंग पसंद करते हैं। आने वाली वीडियोस में आने वाली लाइव स्ट्रीम्स में मैं आपसे फिर मिलूंगा दोस्तों। मैं हूँ गोल्डी, भारत माता की जय, प्रणाम, बैम बूम ड्रीम।